अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी? ओके ग्रेट, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप सब? चलो वंडरफुल। हमारा बस ये एक चैप्टर आखिरी है, इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर वी आर लेफ्ट विद। होपफुली इस वीक में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और सैटरडे से ऑनवर्ड्स फिर नेक्स्ट वीक की 4-5 क्लासेस हैं, तो हम रिवीजन्स प्लान करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और हम आखिरी चैप्टर तक रिवाइज करेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव टू थिंग्स टू टॉक अबाउट, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोसिएशन। इस चैप्टर को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इस चैप्टर के अंदर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन हैं। दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स जिसमें से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है पेपर में, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता एग्जामिनर। और उसके अलावा पास्ट पेपर डिस्कशन किसकी, 9 चैप्टर की होनी गई थी सैटरडे को, नहीं हुई थी? आई रिमेम्बर हो गई थी, आई श्योर। हमने 9 चैप्टर कंक्लूड तो कर लिया था ना सैटरडे को। ओके चले, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं क्विकली, नो इशू। हेयर इट इज, ये है, ये तो खैर रेडीली अवेलेबल है फाइल। चलें लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। चैप्टर नंबर 9 में ये नज़र आ रही है ना आपको फाइल, ये फाइल आप सबके पास होनी चाहिए मौजूद। इट्स अ वेरी हैंडी फाइल, इसे आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन नंबर था, फिर आप उस पेपर में जाके वो क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। तो सितंबर में फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप पे क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, 4 डायमेंशन दी गई थी पेपर में, यू वर गिवन लाइक 4 डायमेंशन, और उन 4 डायमेंशंस के ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया था कि डिफरेंशिएट करें फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स को ऑन दीज 4 डायमेंशंस। ये था जी क्वेश्चन, ये डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पर्पस, डिसीजन मेकिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। 8 नंबर का सवाल था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लाइक इसके अंदर से आपने करना क्या था कि आपने फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स में से 4 पॉइंट्स पे कमेंट करना था। आपकी जो बुक में जो डिफरेंसेस दिए गए हैं उसमें हेडिंग्स नहीं है, लेकिन आइडिया उसमें से ही निकलना था। फॉर एग्जांपल हियर इट इज, जो पहला बुलेट पॉइंट है ये डिस्कस करता है फॉर्मेशन को, कि फॉर्मल ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये मैनेजमेंट खुद अपॉइंट करती है, इनफॉर्मल ग्रुप्स के मैनेजमेंट जो मेंबर्स हैं वो खुद ब खुद अपॉइंट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट डिस्कस करता है मेंबरशिप टर्मिनेशन को, इसकी मेंबरशिप परमानेंट होती है, इसकी मेंबरशिप टेम्प्रेरी होती है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करता है पर्पस को, तो ये पहले 3 पॉइंट्स, और ये चौथा पॉइंट डिस्कस करता है डिसीजन मेकिंग को। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनर हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दीज 4 पॉइंट्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। इससे पीछे मूव करें तो मार्च में बेलबिन के टीम रोल आए थे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 नंबर का सवाल था। पहले पूछा गया था कि जी सारे के सारे जो टीम रोल्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर दें, उसकी लिस्ट बना दें, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग के जो रोल्स हैं उसमें से जो 3 रोल्स हैं कौन कौन से हैं, वो प्लांट, मॉनिटर इवैल्यूएटर एंड स्पेशलिस्ट, इनकी एक एक स्ट्रेंथ और एक एक वीकनेस बता दें। ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। सितंबर में देयर वॉज नो क्वेश्चन फ्रॉम 9 चैप्टर, सितंबर 17 में कोई क्वेश्चन नहीं था, ये कॉलम पूरा खाली है। इनफैक्ट सितंबर 17 में 9th में से भी नहीं था और 10th में से भी नहीं था, सिर्फ 8th चैप्टर में से पूरे 22 नंबर का क्वेश्चन था, याद है हमने रिव्यू किया था। मार्च 17 में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था, इन मार्च 17 देयर वाज वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड दैट वाज ब्रू स्टकमैन्स मॉडल। स्टॉर्मिंग के ऊपर क्वेश्चन था, स्टकमैन के मॉडल में स्टॉर्मिंग की फेज आई थी मार्च 17 में, इसकी भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मार्च 17 में एग्जामिनर ने पूछा था, वेयर इज, हियर इट इज, नहीं स्प्रिंग, सॉरी स्प्रिंग 17, स्प्रिंग 17 में एग्जामिनर ने क्या पूछा था, एक मिनट। ओके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था,
स्टॉर्मिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है? इसका सही आंसर जो है वो ये बी था, दिस वॉज द करेक्ट आंसर। आप पर्सनल गोल्स को रिवील करते हैं और आप डिफरेंसेस को वेंट आउट कर देते हैं, साइड वे कर देते हैं, ठीक है ना। सो दैट वॉज द करेक्ट आंसर, और यही हमने डिस्कस किया था। स्टॉर्मिंग स्टेज में आप क्या करते हैं, आप इंटर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं बाय वेंटिंग आउट, बाय पुटिंग द डिफरेंसेस असाइड। सो दैट वॉज द ओनली क्वेश्चन। इससे पहले सितंबर 16 में क्वेश्चन आया था ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर, क्वेश्चन वॉज देयर ऑन ग्रुप डायनामिक्स। हाँ, ना दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक। 9th चैप्टर में कहीं पे भी ग्रुप डायनामिक्स को डिफाइन नहीं किया गया, देर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इन द 9th चैप्टर। लेकिन ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर एग्जामिनर ने 3 नंबर का सवाल किया था। ग्रुप डायनामिक्स क्या होती है, इसके लिए फिर आपको अपनी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो आपकी स्टडी किट है, उस पर जाना पड़ेगा। उसमें ग्रुप डायनामिक्स को डिफाइन किया गया। इन योर प्रैक्टिस किट आपके जो ग्रुप डायनामिक्स हैं उसको डिफाइन किया गया। ग्रुप डायनामिक्स बेसिकली टकमैन के मॉडल के साथ ही रिलेट करते हैं। ग्रुप डायनामिक्स रिलेट विद टकमैन मॉडल। दिस इज हाउ वी डिफाइन ग्रुप डायनामिक्स। हम कैसे डिफाइन करते हैं ग्रुप डायनामिक्स को? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए। दिस इज हाउ वी डिफाइन कि ग्रुप डायनामिक्स जो है ये एक स्टडी है ग्रुप्स की इंटरेक्शंस की, एंड द फोर्सेस दैट ऑपरेट विद इन अ ग्रुप, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रुप, द मैनर इन विच ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, एंड द फंक्शन द ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म, एंड द वे दे इंटर रिलेट टू ईच अदर। तो आप गौर फरमाए तो इस पूरी डेफिनेशन के अंदर टकमैन का मॉडल ही मूव कर रहा है ना, कि पहले ग्रुप बनता है, उसकी कॉम्पोजिशन होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफाइन होते हैं, फिर ग्रुप मेंबर अपने फॉर्मल फंक्शंस को डेवलप करते हैं, और फिर वो इंटर रिलेट करते हैं। लेकिन हमारी बुक के अंदर ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये डेफिनेशन जो है ये टकमैन के मॉडल के साथ ही कहीं लिख लें ग्रुप डायनामिक्स की। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये डेफिनेशन आपको अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिल जाएगी 9th चैप्टर के अंदर, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन गिवन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है, जो आपकी किट है, उसमें वैसे तो कुछ पास्ट पेपर्स ही होते हैं, बट उसके अलावा भी उसमें से क्वेश्चंस आप गाहे बगाहे पढ़ते रहा करें, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी था, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी था, ग्रुप कोहिजन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो की फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रुप कोहिजन। तो ग्रुप कोहिजन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना था। दैट वाज इन सितंबर 16 में ग्रुप कोहिजन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ये वो जो हमने 10 फैक्टर्स पढ़े थे उसकी उसको लिस्ट डाउन करना था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन सितंबर में आया था। मार्च में अगेन बेलबिन का मॉडल आया था, 5 का A पार्ट था। 9 के 9 नाम्स दे दिए गए थे आपको, 9 नेम्स वर गिवन, और 9 नाम दे के एग्जामिनर ने पूछा था कि कोई से 6 रोल्स जो हैं उनकी एक एक स्ट्रेंथ बतानी थी, ओनली स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। ओनली नेम्स वर गिवन एंड 1 स्ट्रेंथ वॉज रिक्वायर्ड। उससे पहले ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम्स का, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन, जिसमें 4 सिचुएशंस दी गई थी और हर सिचुएशन के साथ कहा गया था बताएं ये ग्रुप है या टीम है, और रीजनिंग करनी थी आपने। तो ये हमने टॉपिक को डिस्कस करते हुए ही डिस्कस कर लिया था। और उससे पहले मार्च 15 में रोल्स ऑफ मैनेजमेंट इन टीम बिल्डिंग का क्वेश्चन आया था, OCG ग्रुप का एक क्वेश्चन था, और उसमें पूछा गया था कि मैनेजमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द टीम। मार्च 2015 का पेपर था, उसमें पूछा गया था, ये तो खैर सितंबर का है। मार्च के पेपर में एक सिचुएशन दी गई थी OCG ग्रुप की, और उसके बारे में कहा गया था कि बताएं ये जो OCG ग्रुप है ये जो मैनेजमेंट है वो क्या रोल प्ले करेगी इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के अंदर। अभी तक 9th चैप्टर आप देख लें, सबसे लीस्ट टेस्टेड चैप्टर है पूरी किताब का। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हार्डली 9 अटेम्प्ट में सिर्फ 8 सवाल आए हैं इसमें से। 9 अटेम्प्ट में से सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हैं इसमें से। इट इज द लीस्ट टेस्टेड चैप्टर इन द पेपर पार्ट डी का। तो इस दफा जो आपकी अटेम्प्ट है इसमें चांसेस आर देयर कि इसमें से कोई एग्जामिनर हैवी क्वेश्चन पुट करे, ठीक।
ओके, सो 10th चैप्टर जो है हमारा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 10th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट और निगोसिएशन। अच्छा, आपकी बुक पहले निगोसिएशन को डिस्कस कर रही है, बाद में डिस्कस कर रही है कॉन्फ्लिक्ट को। आइडियली कॉन्फ्लिक्ट पहले आता है, निगोसिएशन बाद में आती है। इन एन आइडियल सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स निगोसिएशन। और इसमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, निगोसिएशन में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 10 सवाल हैं इसमें टोटल। और ये 10 के 10 सवाल पेपर में टेस्ट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं 10th चैप्टर मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड चैप्टर है ये। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं, लुक एट दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखें, तो 10th चैप्टर जो है दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ये देखें, सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला चैप्टर है। और मेरा नहीं ख्याल सिवाय सितंबर 17 के कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आया हो। सितंबर 17 जो है, वालेकुम अस्सलाम अमीन, क्या हाल है आपका। सितंबर 17 जो है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। अदरवाइज हर अटेम्प्ट में किसी में दो, किसी में एक, किसी में इसमें 4 सवाल थे, ठीक है। सो दैट इज हाईली टेस्टेड चैप्टर इन द पास्ट पेपर्स। और इंटरेस्टिंगली रो वाइज देख लें तो रो वाइज मेरा नहीं ख्याल सिवाय ये एक रो, रोल ऑफ थर्ड पार्टी निगोसिएशन, इस रो के अलावा और कोई रो खाली मिल रही है आपको? तो जब आप गौर फरमाएं तो ये पूरा चैप्टर टेस्ट हो चुका है। एटलीस्ट वंस हर टॉपिक टेस्ट हो चुका है। चैप्टर 10 में से कम से कम 8 से 10 नंबर आ ही जाते हैं, जो कि कॉमन प्रैक्टिस रही है। पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स में से कम आ रहे हैं, जैसे ये जो पीछे जो 2-3 जैसे ना, सितंबर 17, मार्च 18, सितंबर 18, इसमें से थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत डोमिनेटिंग था। ये देख रहे हैं, इससे पहले 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2, मतलब इससे पहले ज़्यादा आते थे। पिछली 3 अटेम्प्ट से थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला चैप्टर है पेपर के अंदर, पार्ट डी का, ठीक। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसमें कॉन्फ्लिक्ट का, दूसरा पार्ट है निगोसिएशन का। हम पहले कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे निगोसिएशन। और दोनों पार्ट्स के अंदर हम बड़े बेसिक से 5-5 क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। और दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू प्रिपेयर, दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। इसको प्रिपेयर करना बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर कोई एम्बिगुअस मॉडल्स नहीं है, कोई थेरीज नहीं है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं। और उन क्वेश्चन को आपने एज इट इज प्रिपेयर करना है, उसमें से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता। कॉन्फ्लिक्ट का जो टॉपिक है, इसमें हमने 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक में हमने 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। नंबर 1, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की सोर्सेस क्या होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट की 2 सोर्सेस होती हैं, देर आर 2 सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक होती है इंडिविजुअल लेवल सोर्सेस और एक होती है ग्रुप लेवल सोर्सेस। यानी पहला क्वेश्चन है कि कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डज द कॉन्फ्लिक्ट कम। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिविजुअल लेवल से आता है। इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट आगे फर्दर 2 किस्म के होते हैं, एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल और एक होता है इंटर इंडिविजुअल। इसी तरह ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसकी भी 2 सोर्सेज होती हैं, एक होता है इंट्रा ग्रुप और एक होता है इंटर ग्रुप। इंट्रा का मतलब होता है विदिन, विदिन एन इंडिविजुअल, यानी एक इंसान के अपने अंदर, अगर आपके अपने अंदर जंग लगी हुई है तो ये इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है। और इंटर इंडिविजुअल होता है बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान। इसी तरह इंट्रा ग्रुप होता है विदिन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर। और इंटर ग्रुप होता है बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये हम पढ़ेंगे 2 लेवल्स पे, इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होने वाले बेनिफिट्स क्या होते हैं, उससे पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स,
व्हाट आर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या होते हैं और किस तरह फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। फिर हम उसमें एक मॉडल पढ़ेंगे थॉमस एंड किलमैन का, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कैसे किए जाते हैं। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये 5 सवाल हैं कॉन्फ्लिक्ट के, दीज आर 5 क्वेश्चंस, और एग्जामिनेशन के हवाले से पेपर में 500 सवाल एटलीस्ट वंस आ चुके हैं। पेपर के हवाले से ये 500 सवाल कम से कम एक दफा टेस्ट किए जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट की सोर्सेज क्या होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सोर्सेज, अच्छा आपकी बुक के अंदर हेडिंग्स जो है वो सिर्फ एक एक दी गई है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट दो होते हैं ना, इंट्रा और इंटर। इंट्रा इंडिविजुअल का मतलब है विद इन ए पर्सन, और इंटर इंडिविजुअल का मतलब है बिटवीन टू पीपल, टू और मोर पीपल। तो यहाँ पे हेडिंग सिर्फ इंट्रा की दी जा रही है, लेकिन जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो इंटर के भी हैं और इंट्रा के भी हैं। तो कंसेप्चुअली आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। दो पेपर में एग्जामिनर आपसे इंटर और इंट्रा का डिफरेंस नहीं पूछेगा। इंट्रा इंडिविजुअल आएगा तब भी आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे, इंटर इंडिविजुअल का वर्ड अगर यूज कर लिया जो कि बुक में यूज नहीं हुआ तब भी आप यही वाले सारे पॉइंट्स लिखेंगे। बट यू शुड बी नोइंग कंसेप्चुअली कि इंट्रा इंडिविजुअल कहते हैं विद इन वन पर्सन और इंटर इंडिविजुअल कहते हैं बिटवीन टू पीपल। ये आइडिया क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। इंट्रा इंडिविजुअल मीन्स के एक इंसान के अपने अंदर, और इंटर इंडिविजुअल मीन्स के बिटवीन टू और मोर पीपल। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है दे कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस, द क्वालिटी ऑफ सर्विस और द प्रोडक्ट। पर्सनल इफेक्टिवनेस इरोड हो जाती है अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा पैदा हो जाए। सो कॉमन ड्राइवर्स ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, अब इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट से मुराद इंटर भी है और इंट्रा भी है, दोनों लेवल्स पे। इंटर इंडिविजुअल चाहे इंट्रा इंडिविजुअल, दोनों लेवल्स के जो कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉमन ड्राइवर्स हैं वो कुछ ही हैं। हम जरूर डिफ्रेंशिएट करेंगे इन पॉइंट्स में कि इंटर इंडिविजुअल कौन सा है और इंट्रा इंडिविजुअल कौन सा है। ब्लेमिंग कॉलीग्स फॉर पास्ट मिस्टेक्स, अब ये इंटर इंडिविजुअल है, बिटवीन टू पीपल, आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं गलतियों के लिए। एम्प्लॉयज दैट फील फेवरेटिज्म दैट हैज बीन शोन बाय मैनेजमेंट इन एलोकेटिंग वर्क टू एम्प्लॉयज, अब ये इंट्रा इंडिविजुअल है, आपके अपने अंदर जंग लगी हुई है। आप महसूस कर रहे हैं कि किसी दूसरे को फेवर दी गई है और आपको फेवर नहीं दी गई है, ये इंट्रा इंडिविजुअल है। जनरल डिसएग्रीमेंट, बेसिक डिसएग्रीमेंट किसी काम को करने के तरीके पे, किसी प्रोसेस पे, ये भी इंटर इंडिविजुअल है, बिटवीन टू पीपल। नॉन कॉन्ग्रुएंट गोल्स बिटवीन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स, हाँ जी, अब आप ये बताएंगे कि ये इंट्रा है कि इंटर है, ये इंट्रा इंडिविजुअल है या इंटर इंडिविजुअल है। ये कॉन्सेप्ट 7 चैप्टर से आ रहा है, रिमेंबर गोल सेटिंग थ्योरी से आ रहे वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये गोल सेटिंग थ्योरी से आ रहा है। नॉन कॉन्ग्रुएंस बिटवीन पर्सनल गोल्स एंड कमर्शियल गोल्स, हाँ जी अली कह रहे हैं इंटर है, बाकी लोग कमेंट करेंगे। दिस इज इंट्रा इंडिविजुअल, एग्जैक्टली, आपके अपने अंदर जंग लगी हुई है ना, आपके अपने पर्सनल या कमर्शियल गोल्स हैं वो अलाइंड नहीं है, सो दैट इज इंट्रा इंडिविजुअल। राइवलरी फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, ये इंटर इंडिविजुअल है कि इंट्रा इंडिविजुअल है, लोग लड़ते हैं आपस में, ये इंटर इंडिविजुअल है, एग्जैक्टली। पुअर पर्सनल हाइजीन, ये इंट्रा इंडिविजुअल है, आपकी अपनी सेहत के मसाइल हैं, आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्सनल हाइजीन के इश्यूज हैं, ये इंट्रा इंडिविजुअल है। द परसेप्शन दैट समवन इज वर्किंग हार्डर और लॉन्गर आवर देन अदर एंड आर नॉट बीइंग फेयरली रिवॉर्डेड, ये भी इंट्रा इंडिविजुअल है, आपको लगता है कि मैं मेहनत ज्यादा करता हूँ लेकिन मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये भी इंट्रा इंडिविजुअल है। पर्सनैलिटी क्लैशेस, ये इंटर इंडिविजुअल है। इनअप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर वर्क, ये भी इंटर इंडिविजुअल है। तो यू कैन सी वी हैव अ मिक्स एंड मैच, हमारे पास एक मिक्स एंड मैच है। ये आपका जो ब्लेमिंग कॉलीग्स, एम्प्लॉय फीलिंग, ये इंट्रा इंडिविजुअल है। नॉन कॉन्ग्रुएंस इंट्रा इंडिविजुअल है। पुअर पर्सनल हाइजीन इंट्रा इंडिविजुअल है, ये इंट्रा इंडिविजुअल है, ये इंटर इंडिविजुअल है, ये इंटर इंडिविजुअल है, ये इंटर इंडिविजुअल है, ये दोनों भी इंटर इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट भी ग्रुप लेवल पे 2 लेवल्स पे होता है, इंटर और इंट्रा। देखें हेडिंग सिर्फ इंटर की दे रहे, लेकिन डिस्कशन यहाँ पे इंट्रा की भी होगी, इंटर की भी होगी। तो आपने ये डिफ्रेंसिएशन याद रखनी है, इंट्रा से मुराद है विद इन, इंटर से मुराद है बिटवीन।
इंट्रा ग्रुप विद इन अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, ये इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। और इंटर ग्रुप मीन्स बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, यानी दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो ये जो पहले जो 7 पॉइंट्स हैं, 3 ये वाले और 4 ये वाले, ये पहले 7 पॉइंट्स हैं, ये इंट्रा ग्रुप के हैं, एक ग्रुप के अंदर। और उसके बाद ये अगले जो 8 पॉइंट्स हैं, 7 8 पॉइंट्स हैं, ये इंटर ग्रुप के हैं, बिटवीन टू ग्रुप्स। तो ये डिफरेंसिएट हेडिंग जो है वो सिर्फ इंटर ग्रुप की है, लेकिन डिस्कशन में इंट्रा भी है और इंटर भी है, दोनों हैं। नहीं, आई कैप वोंट आस्क, आई कैप बुक वाली हेडिंग ही यूज करेगा, लेकिन कंसेप्चुअली यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द वे जाके अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ ले कि इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्रेंशिएट करें, अब आपकी बुक में तो हेडिंग सिर्फ इंटर ग्रुप की है, अब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी इंट्रा ग्रुप तो हमने पढ़े ही नहीं थे। नहीं, आपने पढ़े हैं इंट्रा ग्रुप, ये पहले जो 7 पॉइंट है ये इंट्रा ग्रुप है। इसी तरह आईकैप आपसे पूछ लेगी जी इंट्रा इंडिविजुअल और इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि आपने ये इसमें डिफ्रेंसिएशन देखी है। तो हम एक कदम आगे जा रहे हैं, रिमेंबर, आप आईकैप से एक कदम आगे चलेंगे तो कामयाब होंगे, अगर आप आईकैप से एक कदम पीछे चलेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड ऑफ आई कैप। तो आई कैप इस किस्म का क्वेश्चन भी सोच सकता है, आई कैप थिंक कैन थिंक ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आई कैप अगर इस तरह का सवाल सोच सकता है तो हम भी उसको टैकल कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैक ऑफ लीडरशिप, अगर लीडरशिप अप्रोप्रिएट नहीं होगी, प्रॉपरली गोल्स को आर्टिकुलेट नहीं करेगी, आर्टिकुलेट का मतलब होता है सेपरेट करना, समझाना, फैलाना। तो अगर लीडरशिप जो है वो गोल्स को आर्टिकुलेट नहीं कर रही, नहीं फैला रही, नहीं समझा रही, या क्लियर कट सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं दे रही, तो इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। जब कन्फ्यूजन पैदा होगी तो अल्टीमेटली पीपल विल बी इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप। इसी तरह लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से लोग फोकस लूज कर जाते हैं, अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं विद इन अ टीम। देख रहे, परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम और परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप। इसी तरह अनरियलिस्टिक टारगेट्स अगर सेट कर दिए हैं, ऐसे टारगेट सेट कर दिए हैं जो कि नॉन अचीवेबल हैं, ओवर एम्बिशियस हैं, नॉन अटेनेबल हैं, तो दैट माइट एडवर्सली अफेक्ट द मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द स्टाफ, क्रिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप। सिमिलरली रोल एम्बिगुइटी, लैक ऑफ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन या ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स हैं एम्प्लॉयज के दरमियान, तो ये भी इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है विद इन द ग्रुप। इनकम्पैटिबिलिटी अमंग स्टाफ मेंबर, जब एक टीम को आप रिसोर्स करते हैं फ्रॉम मल्टीपल ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा प्रोडक्शन का, एक बंदा मार्केटिंग का, एक बंदा फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, जब आप मुख्तलिफ तीन चार डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं, सो पीपल विल डेफिनेटली हैव देयर ओन ग्रुप एफिलिएशन एंड देयर लॉयल्टीज, अल्टीमेटली डिफरेंसेस पैदा होंगे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, तो ये भी इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड बायस, चाहे किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा फेवर दे रही है, किसी को कम फेवर दे रही है, तो ये भी अल्टीमेटली इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना। स्टाफ इन वन टीम और ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टाफ में बी ट्रीटेड इन अ बायस्ड मैनर, ये भी इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। इसी तरह लैक ऑफ रिकग्निशन है, अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड नहीं दे रहे जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली, उनकी आप एफर्ट्स को सराहते नहीं है, उनको आप अप्रिशिएट नहीं करते, दैट विल ऑल्सो लीड टू इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो जो पहले 7 पॉइंट्स हैं, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, रोल एम्बिगुइटी, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन स्टाफ मेंबर्स, बायस्ड एटीट्यूड एंड लैक ऑफ रिकग्निशन, ये सारे के सारे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करते हैं। अदर फैक्टर जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इंटर ग्रुप के फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटर पर्सनल डिफरेंसेज, ग्रुप पॉलिटिक्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो पॉलिटिक्स होती है, जो टेम्परामेंट एंड आउटलुक होती है इंडिविजुअल्स की, जो कि डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में पाए जाते हैं, वो कहते हैं डिसर्निंग मैनेजर। डिसर्निंग कहते हैं केयरफुल मैनेजर्स को, ऐसा मैनेजर जो कॉशियस हो, थोड़ा सा अकलमंद हो। तो डिसर्निंग मैनेजर जो होते हैं, दे रिकग्नाइज दीज डिफरेंसेस एंड दे मेक एफर्ट टू क्रिएट अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरमेंट इन विच पीपल विद इंटरपर्सनल डिफरेंसेस आर एबल टू वर्क टूगेदर एज कोहेसिव ग्रुप्स। देखिए बात हो रही है ग्रुप्स की, एक ग्रुप की बात नहीं हो रही। तो ये इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग एट डिफरेंट ग्रुप्स लेवल, नॉट इंडिविजुअल या एक ग्रुप के लेवल पे बात नहीं कर रहे।
इसी तरह हर ग्रुप के अंदर वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। वो वैल्यूज जो एक ग्रुप के लोग शेयर करते हैं दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज शेयर्ड बाय अदर ग्रुप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उनकी वैल्यूज और हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स और हैं। एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी वैल्यूज और हैं, उनके गोल्स और हैं। तो वैल्यूज और ऑनेस्टी जो हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी एफिलिएशन हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, दे आर वेरी डीप रूटेड एंड एट मेनी टाइम दे रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं, दैट विल अल्टीमेटली क्रिएट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। इसी तरह एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं। हर ग्रुप के अपने अपने गोल्स होते हैं, हर ग्रुप के अपने अपने रिसोर्सेज दिए जाते हैं, विच कैन राइज टू इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ये वर्ड भी आ गया, दिस इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक, बिटवीन टू ग्रुप्स। इसी तरह टास्क इंटरडिपेंडेंस होती है, बिजनेस के अंदर कोई से दो डिपार्टमेंट्स या कोई से दो ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करते, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स वाले डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन वालों पे कि वो प्रोडक्शन टाइम पे करेंगे तो वो आगे अपने सेल्स के ऑर्डर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में वेरियस ग्रुप्स, यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात कर लें तो वेरियस डिपार्टमेंट्स जो कि आउटपुट्स और इनपुट्स को शेयर करते हैं इन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, दे बेसिकली आर इन टू मोर कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एक ग्रुप अगर अनेबल है टू एडहेयर, एडहेयर मीन्स फॉलो करना, टू एडहेयर टू टाइम स्केड्यूल और क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, दैट कैन रिजल्ट इन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक डिपार्टमेंट टाइम पे काम नहीं कर रहा, या अगर एक डिपार्टमेंट टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा या सप्लाई नहीं कर रहा, सो इससे भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ऊपर हमने रोल एम्बिगुइटी की बात की है इंडिविजुअल लेवल पे, एक ग्रुप के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रोल एम्बिगुइटीज है। यहाँ पे रोल एम्बिगुइटी की बात हो रही है डिफरेंट ग्रुप्स के लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके रोल्स क्लियर नहीं है, उनकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्लियर नहीं है, तो दैट कैन राइज टू इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे हमने बात की थी इंडिविजुअल के रोल्स के अंदर, अ टीम मे बी फेस प्रॉब्लम वेयर देयर इज लैक ऑफ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल और ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे रोल एम्बिगुइटी इंट्रा ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो रोल एम्बिगुइटी है वो इंटर ग्रुप है, दो डिपार्टमेंट्स के जो गोल्स हैं या रोल्स हैं वो एम्बिगुअस हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट, दिस इज हाउ वी मेक अ डिफरेंस। इसी तरह कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, जब दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है तो प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, अल्टीमेटली ट्रस्ट बिटवीन ग्रुप्स अंडरमाइन हो जाता है और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। अगेन ट्रस्ट बिटवीन ग्रुप, तो इंटर ग्रुप की बात हो रही है, बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट देम कि इंट्रा की और इंटर की तमीज क्या है। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग भी आ सकता है, एक हेडिंग के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने पहला सवाल डिस्कस कर लिया, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इंट्रा और इंटर और ग्रुप लेवल पे इंट्रा और इंटर। दूसरा क्वेश्चन है बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट के आने से बेनिफिट्स क्या होते हैं और प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कॉन्फ्लिक्ट को आप हैंडल कैसे कर रहे हैं, वेदर और नॉट कॉन्फ्लिक्ट आपका कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। रिमेंबर बेनिफिट्स विल ओनली बी अचीव्ड व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम विल ओनली अराइज व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट आपका डिस्ट्रक्टिव है तो प्रॉब्लम्स, और कंस्ट्रक्टिव को हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव को हम डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम्स आएंगी अगर कॉन्फ्लिक्ट आपका डिसफंक्शनल है, या अगर फंक्शनल है या कंस्ट्रक्टिव है तो उसके बेनिफिट्स आएंगे। तो एक वक्त में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरह का हो सकता है, फंक्शनल भी डिसफंक्शनल भी, डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ इट इज बीइंग हैंडल्ड, हाउ इट इज बीइंग मैनेज्ड। अगर कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल है तो फायदे क्या हासिल होंगे, ये फवायद है, लंबी लिस्ट है, सारे के सारे शायद ना भी हैं पेपर में, इनके पास कम 4, 5, 6 आपको आने चाहिए, तो दैट्स अ ह्यूज लिस्ट। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, नंबर वन कॉन्फ्लिक्ट अगर कंस्ट्रक्टिव है तो रेडिकल चेंजेस लेके आता है इदारे में, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को आप चैलेंज करते हैं, एंट्रेंच्ड एटीट्यूड्स, एंट्रेंच्ड का मतलब है ऐसे एटीट्यूड्स जो लॉन्ग होल्डिंग है,
नेगेटिव एटीट्यूड जो होते हैं विच हैव लेड टू कम्प्लेसेंसी. कम्प्लेसेंट का मतलब होता है पुअर परफॉर्मिंग. तो ऐसे एटीट्यूड्स या ऐसे पावर स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से इदारा पुअरली परफॉर्म कर रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट से आप चैलेंज करते हैं उन एटीट्यूड्स को और उन पावर स्ट्रक्चर्स को. सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उससे चैलेंज करते हैं ना पावर स्ट्रक्चर्स को, लोगों के डिसीजन मेकिंग को चैलेंज करते हैं आप. इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनोवेशन को इनकरेज करेगा, नए आइडियाज को टेस्ट करेगा, एलिमिनेट करेगा ग्रुप थिंक को. ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था 9th चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे डॉर्मिंग स्टेज की. टकमैन के मॉडल में ग्रुप थिंक की बात हुई थी कि बाज दफ़ा आपकी डॉर्मिंग स्टेज या ग्रुप को डिसकंटिन्यू करना नेसेसरी हो जाता है तो डॉर्मिंग स्टेज पैदा हो जाती है. तो इन पॉइंट्स अगर आप कीवर्ड्स नोट कर लें, फॉर एग्जांपल पहला बेनिफिट है रेडिकल चेंजेस. तो ये कीवर्ड बन गया कि कॉन्फ्लिक्ट जो है रेडिकल चेंजेस लेके आता है. सेकेंड पॉइंट का कीवर्ड बन गया इनोवेशन, नई चीज़ें. इसी तरह थर्ड पॉइंट का कीवर्ड है इमोशंस. कॉन्फ्लिक्ट से आप इमोशंस को सरफेस पे ले आते हैं, ओपन में ले आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इमोशंस को. कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव लेवल ऑफ टेंशन रखता है, हर वक्त क्रिएट रखता है. हर वक्त आप कॉन्शियस होते हैं, टेंशन के की स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से मोटिवेशन बढ़ती है, चैलेंजेस बढ़ते हैं. अल्टीमेटली आप अपने ऑप्टिमम लेवल्स को, ऑप्टिमम कहते हैं मैक्सिमम लेवल्स को अचीव कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो है कंस्ट्रक्टिव लेवल ऑफ टेंशन. फिर कॉन्फ्लिक्ट से ओपन कम्युनिकेशन होती है. कॉन्फ्लिक्ट बेहतर होंगे तो कस्टमर सर्विसेज बेहतर होंगी, अल्टीमेटली प्रोसेसेस को आप इम्प्रूव करेंगे. लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स को आप सरफेस पे ले आएंगे और रिजॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे. साउंड पॉइंट ऑफ व्यूज को आप क्लैरिफाई कर लेंगे और जो आपको बात किसी की सही लगी उसे आप मान भी लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे. इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी है, वही सेकेंड पॉइंट है. लोगों का इंटरेस्ट रहेगा एक प्रोसेस के अंदर, जब तक कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव है, उनकी लर्निंग हो रही है, उनका इंटरेस्ट बहाल रहेगा. जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लर्निंग ख़त्म होती है, लोग इंटरेस्ट भी लूज कर जाते हैं. एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट वेयर एम्प्लॉयज कैन टेस्ट देयर कैपेबिलिटीज. कॉन्फ्लिक्ट से एम्प्लॉयज अपनी एबिलिटीज को भी टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें कितना स्किल है, वो क्या काम अच्छा कर सकते हैं. जब कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो सिचुएशन फ्लेक्सीबल हो जाती है. Whenever a conflict occurs, the situation gets flexible. और flexible situation में फिर आप बेहतर decision making कर सकते हैं. But these benefits are only possible when the conflict is of constructive nature. Otherwise क्या होगा, मसाइल खड़े हो जाएंगे. अगर conflict destructive nature का है, dysfunctional है, तो फिर problems आएंगी. For example, staff will get demotivated, communications breakdown हो जाएंगी, स्पॉयल हो जाएंगी, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी रिड्यूस्ड, पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस होगी अल्टीमेटली, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, नॉलेज शेयरिंग नहीं करेंगे. फिर कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाता है, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट ग्रोस टू अ हाईएस्ट लेवल, तो लोग झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं आपस में, फाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से देर माइट बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट देम. इनके खिलाफ फिर आप कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं. फिर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी अना को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे और पुख्ता हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल यू डिसएग्री विद माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम योर बॉस, तो फिर मैं और ज़्यादा स्टिक करूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. इसे कहते हैं एस्केलेशन टू कमिटमेंट. इस फिनोमेना को कहते हैं एस्केलेशन टू कमिटमेंट. जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जुड़ जाते हैं. तो इंटरनली फोकस्ड डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस विल बी टेकन रादर देन कस्टमर फोकस्ड डिसीजन. कॉन्फ्लिक्ट से लोग डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. डिस्ट्रस्ट कहते हैं लोगों पर यकीन करना छोड़ देना, सस्पिशन कहते हैं शक करना लोगों पर. तो जब कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो पीपल स्टार्ट गेटिंग सस्पिशियस, पीपल स्टार्ट नॉट ट्रस्टिंग यू. कॉन्फ्लिक्ट से आपकी एफर्ट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर जाती हैं नैरो ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर. यू आर इग्नोरिंग द लार्जर इंटरेस्ट, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ग्रुप इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट से टीम एफर्ट्स को आप अंडरमाइन कर देते हैं. टीम एफर्ट्स आपकी ये है नेगेटिव सिनर्जी. अंडरमाइनिंग टीम एफर्ट से क्या मुराद है, नेगेटिव सिनर्जी. कॉन्फ्लिक्ट से डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से स्पेशली नेगेटिव सिनर्जी पैदा होती है.
टीम एफर्ट्स अंडरमाइन हो जाती हैं, 2 + 2 मेक 3, 2 + 2 = 3 बन जाते हैं. इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस रादर द टीम परफॉर्मेंस डिक्लाइंस. ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, फंक्शनल या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कौन से होते हैं और किस तरह से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, हाउ डू दे इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट दैट सपोर्ट्स द गोल्स ऑफ अ ग्रुप एंड हेल्प टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, दैट इज हाउ वी डिफाइन इट. डेफिनेशन लाजमी हाईलाइट किया करें. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए तो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट जो सपोर्ट करता है एक इदारे के गोल्स को और हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने को. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें जरूरी है कि आप पर्सनैलिटी को सेपरेट कर दें फ्रॉम द इशूज बीइंग डिस्कस्ड, वरना क्या होगा, लोग ईगो का शिकार हो जाएंगे, अना में आ जाएंगे. पर्सनैलिटी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द इशू ऑन हैंड. अगर आप पर्सनैलिटी को सेपरेट नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, पीपल विल बिकम ईगोइस्टिक. ठीक है ना, जो जो लोग फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, दे डू नॉट टेक डिसएग्रीमेंट पर्सनली, वो डिसएग्रीमेंट को पर्सनली नहीं लेते, बट इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी टू एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स विच हैव अ बेयरिंग ऑन द इशू टू अचीव ऑप्टिमल रिजल्ट्स. जो मेच्योर लोग होते हैं वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस में जो डिसएग्रीमेंट है उसको पर्सनल लेवल पे नहीं लेते, रादर देन व्हाट दे डू इज दे टेक द डिसएग्रीमेंट टू एक्सप्लोर एंड टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स जो किसी एक इशू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस पर बेयरिंग रखते हैं. बेयरिंग समय से मुराद है किसी चीज़ को अफेक्ट करना ताकि ऑप्टिमल रिजल्ट्स को अचीव कर सकें. लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईगो को साइड पर रखना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. नॉर्मली पीपल डू नॉट आर नॉट एबल टू सेपरेट ईगो फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, और जब आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ईगो को ले आते हैं तो फिर मसले ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ईगो शुड बी सेट असाइड एंड इशूज मस्ट बी ब्रॉट ऑन सरफेस. ये क्वेश्चन आया था पेपर में, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इम्प्रूवड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के अंदर. ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 6 आया था इन मार्च 17 में आया था. तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये डिफरेंट वेज में कंट्रीब्यूट करते हैं. नंबर 1, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट से आप अपनी करंट पोजीशन को इवैल्यूएट कर लेते हैं और आप रीअसेस कर लेते हैं ग्रुप की एक्टिविटीज को और अपने गोल्स को एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बार बार करते रहते हैं. यानी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपको आगाह रखते हैं, आपकी आंखें खुली रहती हैं, आप बार बार रीअसेसमेंट कर रहे होते हैं, बार बार रिव्यू कर रहे होते हैं, प्रोसेसेस को देख रहे होते हैं. तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ये इनके अंदर आगही बहुत हाई होती है, दे कीप यू अवेयर. ठीक है, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट से क्रिएटिविटी स्टिमुलेट होती है, इनोवेशन पैदा होती है, पार्टिसिपेंट्स जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करते हैं. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं इनके अंदर डिसरप्शन नहीं होती, स्मूथ कोऑर्डिनेशन होती है एक्टिविटीज़ की, काम नहीं रुकते. रिमेंबर दैट, फंक्शनल डिसफंक्शनल में और फंक्शनल में एक मेन डिफरेंस ये भी है कि डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में काम रुक जाता है, लोग काम रोक देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनियंस जब हड़ताल करती हैं तो दैट अ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, काम रुक जाता है. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में स्मूथ कोऑर्डिनेशन होती रहती है, काम होता रहता है, काम नहीं रुकता. जैसे सो ये भी इसके अंदर एक की डिफरेंस है. फिर इसके अलावा कहते हैं इसमें जो पेंट अप टेंशन है वो सरफेस पे आ जाती हैं, आपकी इश्यूज को आप सरफेस पे ले आते हैं. पीपल फील दैट देयर ओपिनियंस हैव रिसीव्ड कंसिडरेबल अटेंशन, लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि जो उनके भी जो जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको आपने कंसिडरेबल अटेंशन दे दी है. अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू सेल्फ इवेलुएट योर ओन एनालिटिकल एबिलिटी एंड दैट व्हाट एक्सपर्टीज यू आर ब्रिंगिंग टू एन इशू. पेंट अप से मुराद है समथिंग दैट इज इंक्रीज्ड, पेंट अप मीन्स कोई चीज़ जो बहुत बड़ी हुई हो. तो पेंट अप टेंशन से मुराद है वो टेंशन जो बहुत ज़्यादा दुश्वारी क्रिएट कर रही है या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप पेंट अप टेंशन को आप रिलीज कर देते हैं. बिकॉज यू आर नाउ बिलीविंग दैट योर ओपिनियंस आर हर्ड एंड द अदर पर्सन इज डेफिनेटली विलिंग टू एक्ट अपॉन दैट.
फिर सेल्फ इवेलुएशन का मौका मिल जाता है आपको, दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ दैट, यू कैन सेल्फ इवेलुएट। फिर ग्रुप थिंक और रबर स्टैंपिंग का कल्चर टूट जाता है, ये बात पहले भी हो चुकी है। फंक्शनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये आपके ग्रुप थिंक को तोड़ते हैं। ग्रुप थिंक का मतलब है व्हेन ग्रुप मेंबर स्टार्ट थिंकिंग अलाइक, इसे रबर स्टैंपिंग भी कहते हैं। रबर स्टैंपिंग, जो आपने कभी स्टैंप यूज की होगी तो वो जो इंप्रेशन स्टैंप पे होता है वो इंप्रेशन कागज पे होता है, इसे कहते हैं रबर स्टैंपिंग। ये एक एनालॉजी है बेसिकली, यानी जो आपके दिमाग में है वही दूसरा सोच रहा होगा, रबर स्टैंपिंग वही भी है, इसे रबर स्टैंपिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो रबर स्टैंपिंग एक एनालॉजी है बेसिकली, लाइक पीपल स्टार्ट थिंकिंग अलाइक, एक तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, उनके दिमाग एक हो जाते हैं, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो रबर स्टैंपिंग टूट जाती है। पीपल नाउ कंपेयर द ऑप्शंस एंड दे आर्टिकुलेट द वे थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड, ठीक है। और वो जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज जो होती हैं, जो बार बार एक ही डिसीजन ले रही होती है, उनको फिर डिस्करेज करते हैं, आर्टिकुलेशन बेहतर हो जाती है। ऑल ऑफ दीज आर सम ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद थॉमस एंड किलमैन का एक मॉडल है, इस पे बात होगी। एंड देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये दो क्वेश्चंस इसके अंदर फर्दर हैं, एंड दैट विल कंप्लीट। सो यहाँ तक डिस्कस कर दिया हमने, दीज टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट विद, और इसके बाद फिर निगोसिएशन के 5 सवाल हैं। तो ये टोटल 10 सवाल हैं इन दोनों टॉपिक्स में, टोटल 10 क्वेश्चंस, 5 फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एंड 5 फ्रॉम निगोसिएशन, एंड ऑल 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। नो नो, इट्स नॉट बोरिंग एज सच, बोरिंग नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे चीज़ बोरिंग तब होती है उसमें कोई चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट ना हो, जैसे लीडरशिप था फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोटिवेशन था, उसमें चैलेंज ज़्यादा था ना, कॉन्सेप्चुअल चैलेंज ज़्यादा था, तो उसमें फिर इंटरेस्ट खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है। तो दैट्स वाई इट सीम्स बोरिंग, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्चुअल चैलेंज का फुकदान है, बट दैट्स अगेन फॉर योर बेनिफिट, फायदा इसमें आप ही का है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, यू माइट नॉट हैव टू डू मच ब्रेन स्टॉर्मिंग इन इट। तो ये 2 सवाल हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट के, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन हैं निगोसिएशन के, एंड देन दिस टॉपिक विल बी कंक्लूडेड। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हाँ, कब तक कर दें, कब तक कर दें, व्हेन डू यू सजेस्ट? ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लें, वीकेंड तक कर लें, फिर पैरेलल हो जाएगा ना, पार्ट सी भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। मतलब पार्ट सी कल प्रोवाइड हो जाएगा, LMS पे आ जाएगा आपके, तो वो फिर दोनों साथ साथ अवेलेबल हो जाएंगे, यू कैन डू देम साइमल्टेनियसली। हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम, मैं उसे कह दूंगा नुमान को, वो कल तक अपलोड कर देगा, ठीक है। ठीक है जी, चलो, सी यू देन, थैंक यू, बेटा, अल्लाह हाफिज़।